हेलो वीवर्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, द न्यू टॉपिक बोध धर्म, बुद्ध रिलीजन। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी हम 600 बीसी टू 600 एडी के बीच सांस्कृतिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा जैन जो फिलॉसफी है, जैन दर्शन और महावीर स्वामी। आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म को देखने से पहले हम इसके संस्थापक जो हैं महात्मा बुद्ध, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा बुद्ध और उनका जीवन परिचय। ये संस्थापक थे बौद्ध धर्म के, इनका जो जन्म है लगभग 566 बीसी में माना गया। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल की तराइयों में, यानी लुम्बिनी जो कपिल वस्तु में है, कहां? नेपाल की तराई जो क्षेत्र है वहां इसे माना गया। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम से इन्हें जाना जाता था। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? ये जो शाक्य कबीला है, शाक्य क्लान उसके हेड थे, शाक्य जो गण है, कबीला है, उसके हेड थे, मुखिया थे और वहां के निर्वाचित मुखिया थे, इलेक्टेड जो हेड है, निर्वाचित मुखिया। उनकी जो माता थी महामाया, महामाया जो है वो कौशल देश की राजकुमारी थी। इनका बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी, स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिक विषयों में इनकी रुचि थी और इनके पिता ने अल्प आयु में इनका विवाह करवा दिया। इनका विवाह अल्प आयु में करवा दिया। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा और जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम था राहुल। और इस तरह से उन्होंने, वे क्षत्रिय वंश के थे और उन्होंने महलों की भोग विलासिता का ही जीवन जिया। उन्होंने कभी समाज में बाहर निकल के कष्टों को नजदीकी से नहीं देखा। एक दिन एक समय आया कि वो अपने सारथी के साथ नगर के लिए निकल पड़े, नगर भ्रमण के लिए, और ये उनकी पहली संसार यात्रा थी जिसको देख के वो बहुत दुखी हुए। इस संसार यात्रा में सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चल रहे हैं। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति इतना क्षीण क्यों नजर आ रहा है, इतना कमजोर क्यों है, धीमी गति से चल रहा है, ये कौन है? सारथी ने बताया कि ये जो है, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। ये बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, इस तरह के इनसे सवाल पूछे गए इनसे। तो उनके सारथी ने जवाब दिया कि ये भी जीवन की एक अवस्था है, जिस तरह से बचपन है, युवा अवस्था है, वैसे ही बुढ़ापा है, और इस सब में आते आते आपकी जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है। जब थोड़ा और आगे बढ़े तो इन्हें एक बीमार व्यक्ति नजर आया जो संक्रमित रोग से ग्रसित था, सड़क के किनारे बैठा था और इस तरह से करहा रहा था। उसे महात्मा बुद्ध ने कहा, रुके रुके सारथी, रथ को रुके, ये कौन है? सारथी ने फिर कहा कि महाराज, ये बुढ़ापे की अवस्था में इसको बीमारी लग गई है और ये बीमारी से ग्रसित है, तो इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है? नहीं महाराज, इसको बीमारी हो गई, इसके घर बार वाले कोई है नहीं, इसकी सेवा कौन करे? तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की बातें, सवाल सुनकर जो महात्मा बुद्ध है उनके मस्तिष्क में सवालों का तूफान पैदा हो गया। उसके बाद थोड़ा और आगे निकले तो उन्हें दिखाई दिया एक शव जा रहा था, कंधे पे लिए हुए लोग एक शव को लेके जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने फिर सारथी से कहा, सारथी रुकिए, ये क्या हो रहा है? सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे लेके जा रहे हैं।
महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि ये मृत्यु क्या है, ये मृत्यु क्यों होती है। साथी ने जवाब दिया कि महाराज, जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु शाश्वत सत्य है, ओमनी ट्रुथ, यानी ये शाश्वत सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, इसको नकार नहीं सकते। महात्मा बुद्ध के मस्तिष्क में फिर से तूफानों का ज्वार पैदा हो गया और वो इसी उधेड़ बुन में कि संसार में हमने जिसने भी जन्म लिया उसको एक दिन मृत्यु प्राप्त होगी। आज जो व्यक्ति बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, इतने ऊर्जावान है, वो एक दिन बुढ़ापे, उसको बुढ़ापा भी आएगा, उसकी अवस्था क्षीण होगी, उसकी शक्तियां कमजोर होंगी, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, और मनुष्य की एक अवस्था ये भी है कि उसे जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु भी प्राप्त होगी। ऐसे ही उधेड़ बुन इसी तरह के सवालों के तूफान में जो महात्मा बुद्ध है वो जूझे हुए थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर उसे जन्म, जिसने जन्म लिया उसे एक दिन मर ही जाना है, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तभी आगे बढ़ते हुए एक सन्यासी नजर आया, एक सन्यासी जिसका मस्तिष्क जो है वो औज से बिल्कुल चमक रहा था, जो शांत भाव से प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इन्हें बुढ़ापे का, बीमारी का या मृत्यु का कोई डर ही नहीं। उन्होंने पूछा अपने सारथी से, सारथी रुको, ये व्यक्ति कौन है? उन्हें कहा, महाराज ये सन्यासी है। सन्यासी है? सन्यासी कौन? जिसे अपने घर बार, अपने संसार, अपने सुख ऐशो आराम से कुछ लेना देना नहीं है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है त्याग तपस्या से मोक्ष प्राप्त करना। ऐसा लगता था मानो महात्मा बुद्ध को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया, और यहीं से महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया कि उन्हें सन्यास मार्ग अपनाना है, उन्हें सन्यासी बनना है, उन्हें जीवन की सच्चाई प्राप्त करनी है। तो देखिए, उनके जीवन की प्रथम यात्रा को हम देखते हैं। बाहरी जीवन की प्रथम यात्रा, महात्मा बुद्ध के जो बाहरी जीवन की प्रथम यात्रा थी, ये उनके लिए बहुत ही कष्टदायक रही, और एक तरह से उन्हें एक इससे एक निष्कर्ष भी मिला कि उन्हें क्या बनना चाहिए, उन्हें जिंदगी में क्या करना है। तो कष्टदायक रही, इन्होंने किसे देखा? सबसे पहले एक वृद्ध बूढ़े व्यक्ति को देखा, देन इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, और उसके बाद इन्होंने एक शव को देखा, और इनसे इनके मन में विभिन्न सवाल उठने शुरू हो गए। ठीक है, और अंततः इन्होंने किसे देखा? अंत में इन्होंने देखा एक सन्यासी को, उस सन्यासी को जिसको कोई भय या डर, किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिक्र कुछ भी नहीं थी, ना उसे बुढ़ापे का डर था, बुढ़ापे का भय, ना उसे बीमारी का, और ना ही मृत्यु का, जो मुस्कुराते हुए शांत भाव से आगे की तरफ बढ़ रहा था। और महावीर जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध इससे अत्यधिक प्रभावित हुए, और इसी के साथ उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि उन्हें क्या करना है, उन्हें सन्यासी बनना है, उन्हें जीवन के रहस्यों को खोजना है, उन्हें इस महल के ऐशो आराम में नहीं रहना, क्योंकि ये सारी चीजें तो अस्थाई हैं। जिसने एक दिन जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, तो जीवन के वास्तविक सार को प्राप्त करना है। तो इसी उद्देश्य से महावीर जो महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया। तो इनके द्वारा ग्रह त्याग किया गया, 29 वर्ष की उम्र, लगभग 29 वर्ष की आयु में इनके द्वारा ग्रह त्याग कर दिया गया, और उसके बाद इन्होंने कठोर तप का जो मार्ग है वो अपनाया। कठोर तप, खूब ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देना, लगभग ऐसा माना जाता है लगभग 6 वर्ष तक कठोर तप का मार्ग अपनाया। इतना कठोर तप किया कि ये मृत्यु के एकदम नजदीक पहुंच गए। अंततः इन्होंने अपना मार्ग बदला, और इसके बाद इन्होंने मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग अपनाते हुए इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब ये जो ग्रह त्याग किए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है 1 मार्क्स के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा घर त्यागने को क्या कहा जाता है, इसी स्पेसिफिक नाम दिया गया,
महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, घर त्यागने को, घर त्यागा, घर त्यागने के बाद यहाँ से उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने तपस्या शुरू की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि अपने तपस्या के 46वें दिन के लगभग उन्हें बोध गया में, कहाँ, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने पर ये जो सिद्धार्थ है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये क्या कहलाए, ये बुद्ध कहलाए, ये तथागत कहलाए। बुद्ध मतलब महान ज्ञानी, सर्वज्ञ, यानी जिसे सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तथागत मतलब सत्य को प्राप्त करने वाले, यानी यहीं से जो महात्मा बुद्ध हैं, ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये तथागत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का जो देहांत इनके जन्म के थोड़े समय पश्चात ही हो गया था, इनके बाद इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना ज्ञान जो है, सर्वप्रथम जिनको अपना ज्ञान बांटा, शिक्षा दी, वो घटना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं उसको। प्रथम उपदेश जो देने की घटना है, उस घटना को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। प्रथम उपदेश, महात्मा तो बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया, मृगदाव या हिरण कुंज में सारनाथ में दिया। और इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, यानी धर्म का पहिया घूमना, यानी वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार शुरू हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य हम जाने कौन कौन थे, आनंद, अश्वजीत, उपाली, मोगलान, इसी तरह से और श्रेयपुत्र, ये पांच उनके मेन शिष्य थे। ओके, अब इन्होंने घूम घूम कर पूरे उत्तर भारत में, हम कहें, धर्म का, शिक्षाओं का प्रसार किया। मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्रों में, पाटलिपुत्र हो गया, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, मथुरा, इस तरह से अनेक स्थानों पर इन्होंने घूम घूम कर प्रसार किया। इसके बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति को एक नए नाम से जाना गया है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, यानी महात्मा बुद्ध की, संत जो पुरुष है उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता, उनके लिए कोई विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोक्ष प्राप्ति हो गई, महापरिनिर्वाण। तो उसी तरह से महात्मा बुद्ध जो है, ऐसे माना जाता है कि 486 BC के लगभग कसिया देवरिया यूपी में उन्होंने प्राण त्याग दिए और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो इस तरीके से हमने एक ब्रीफ इनका डिस्क्रिप्शन देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि महात्मा बुद्ध जो है वो बेसिकली एक क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी,
जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं देखा, लेकिन जब पहली बार वो बाहर निकले तो उन्होंने जो चीजें देखी, उन्होंने उन घटनाओं ने इनके हृदय पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, और इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने राजपाट त्याग कर जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो घर छोड़ के निकल गए। और उनके दर्शन को, उनकी शिक्षाओं को लोगों ने पसंद किया। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और इनकी शिक्षाएं लोगों ने बहुत पसंद की। तो आइए अब हम देखते हैं इनकी शिक्षाएं कौन सी थी। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखते हैं जो हमारे लिए सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स के लिए। तो चलिए उधर से बौद्ध धर्म शिक्षाएं। तो आइए स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी? इतनी सरल शिक्षाएं कि उस समय के भारतीय जो लोग निवासी हैं वो सहज ही इनकी तरफ आकर्षित होते चले गए। तो देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं संसार क्या है? संसार अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्परेरी। जो हमारा वर्ड है, द वर्ड इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट। जो संसार है वो अनित्य है, क्षण भंगुर है, थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आत्मविहीन है। आत्मविहीन, आत्मा विहीन यानी सोल लेस। इसमें आत्मा का निवास नहीं है। इस पृथ्वी पर वही चीज परमानेंट है जिसमें आत्मा यानी सोल है। अगर इस जिस चीज में आत्मा नहीं है, जो सोल लेस है, इसका मतलब वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। तो इस संसार, चूंकि संसार एक अनित्य संसार है, टेम्परेरी है, तो ये हमारा हमारा मीन्स हमारा जो आत्मा है उसका स्थायी निवास नहीं हो सकता। ओके, इसके अलावा उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हमारा जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति। हमें इस पृथ्वी पर हम किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, हमें उसकी तरफ अपना पूर्ण केंद्र लगाना चाहिए। हमारा मेन लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। अब इन सब के लिए इन्होंने किस पर इन्होंने क्या शिक्षाएं दी, किन शिक्षाओं पर चल के मोक्ष की प्राप्ति संभव है? तो देखिए इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य में क्या है? चार आर्य सत्य में 4 चीजें हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। देखिए 4 आर्य सत्य में 4 चीजें शामिल हैं। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। दुख का मतलब है संसार दुखों से भरा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज एंड सोरोज। संसार दुखों से भरा है। दुख का कारण, अब दुख समुदाय समझिए, दुख समुदाय मतलब दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। मीन्स हमारी जो एस्पायरेशंस हैं, हमारी जो इंटेंशन, हमारी जो होप्स हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स अवर रिलेटिव्स, फैमिलीज, हमारे परिवार, समाज के प्रति हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वही हमारा दुख का कारण है। तो संसार जो है वो दुखों से भरा है। दुख का कारण इच्छाएं या तृष्णाएं हैं। देन दुख निरोध, इच्छाओं या तृष्णाओं पर, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं? दुख को कंट्रोल कर सकते हैं, दुख को खत्म कर सकते हैं, अपनी मिजरीज सोरोज को हम स्टॉप कर सकते हैं अगर हम अपनी डिजायर्स को कम कर ले। हम अपनी जो एस्पायरेशंस हैं, डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको हम कंट्रोल कर ले तो हम दुख को कंट्रोल कर सकते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि इच्छाएं तृष्णाएं कैसे कम की जाएं? तो दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग पर चलते हुए हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दुख निरोध मार्ग क्या है? दुख निरोध मार्ग में
आष्टांगिक मार्ग बताया है। आष्टांगिक मार्ग यानी आठ नियम है, इनको आप फॉलो करें तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, समाज से अपना अपनापन कम करना और धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना। तो दुख का है, संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं और इच्छाओं पर नियंत्रण करके दुख को दूर किया जा सकता है और उसे दूर करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से उसे दूर किया जा सकता है। अब देखिए हम अष्टांगिक मार्ग को समझें। अष्टांगिक मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग देखिए, अष्टांगिक मार्ग में आठ नियम हैं। इन आठ नियमों को आपको पालन करना है जिसमें सम्यक यानी होता है शुद्ध, यानी आपके प्रत्येक चीज आपकी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। इस तरह से आप जीवित रहते हुए जो भी काम कर रहे हैं वो प्योरली कीजिए, ठीक है? तो सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि और सम्यक संकल्प। यानी अपनी याददाश्त में केवल पवित्र और अच्छी चीजें रखें, स्मृति में बुरी चीजें ना रखें, केवल प्योर चीजों को स्मृति में रखें। अपने दृष्टि से, आंखों से केवल पवित्र चीजों को देखें, बुरा ख्याल ना करें, ना बुरी चीजों को देखें। अपने मन से, अपने मुंह से वचन, अपने मुंह से अच्छे शब्द, अच्छे वचन, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, अच्छे कर्म करें। हमेशा आपका जो कोई भी कर्म है जो आप कर रहे हैं वो हमेशा एक अच्छी भावना के साथ होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी प्रयास, आपकी कोशिश, एफर्ट्स भी प्योर होने चाहिए। इसके अलावा जो अपने आजीविका के आप साधन अपना रहे हैं, आपकी आजीव जो है वो भी प्योर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सम्यक समाधि, मेडिटेशन भी आपका प्योर होना चाहिए। और प्योर ही आपका जिंदगी में आप आए हैं तो आपका अंतिम लक्ष्य जो है उसे आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से ये आठ जो सम्यक हैं, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इस पे चलते हुए व्यक्ति निसंदेह अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल करने में सफल होगा और उसके पश्चात वो अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। जो अष्टांगिक मार्ग है इसे ही मध्यम मार्ग कहा गया है, मिडिल पाथ। तो आप ये ध्यान दें कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पे बल दिया है, ना कि कठोर तप पे। जैन धर्म में कठोर तप पे बल दिया है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग। आइए हम आगे देखते हैं। अभी इस समय जो धर्म मौजूद था, वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म या हम कहें उसे हिंदू धर्म, उसमें बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो गई थी, इसीलिए लोग परेशान थे। तो हम देखें इन्होंने क्या कहा। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, किसी को भी मन वचन कर्म से कष्ट ना पहुंचाना, कष्ट न देना। इसी के साथ साथ इन्होंने कर्म की पवित्रता पर बल दिया, कर्म की पवित्रता पर बल दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें अच्छे और बुरे दो तरह के कर्म होते हैं। जब हम कर्म को निस्वार्थ भावना से, विदाउट सेल्फिशनेस हम करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर हम अग्रसर होंगे। क्यों? हमारे जो कर्म है जब हम निस्वार्थ भाव से करेंगे बिना किसी इंटेंशन के, तो वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं ऐड होंगे
और फाइनली जब हमारा बैलेंस जीरो होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारी हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको जन्म और मृत्यु के जो सर्कल है, बर्थ एंड रीबर्थ, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म जो है उनको श्रेष्ठ रखना चाहिए, बेस्ट रखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो ब्राह्मणवादी हमारा धर्म था उसके जो अंधविश्वास थे, उसमें जो कर्मकांड थे, उन सब का विरोध किया। कर्मकांडों का विरोध किया, ठीक है। इसके साथ ही साथ उन्होंने उन्होंने कहा कि जो हमारा समाज है, हमारा जो समाज की व्यवस्था है, वो कोई दिव्य उत्पत्ति नहीं है, वो क्या है, वो मानव द्वारा निर्मित है। चलिए मैं आगे बताती हूँ। इन्होंने समानता पर बल दिया, सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। सामाजिक समानता पे बल दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज का ढांचा है, उस ढांचे को किसने बनाया, वो ढांचा दिव्य नहीं है, यानी देवताओं द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो मानव निर्मित है। तो जब मानव निर्मित है तो उसमें चेंज, परिवर्तन किया जा सकता है। समाज में ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका इन्होंने खंडन किया कि फिर क्यों समाज में एक वर्ण को, शूद्र वर्ण को इतना टॉर्चर किया गया है। सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जब ये सिचुएशन, ये समाज के नियम कानून कायदे इंसान ने बनाए हैं, तो इनमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि ये दिव्य उत्पत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट चीज, ईश्वर जो है, ईश्वर के बारे में इनका जो अस्तित्व है वो अप्रासंगिकता इन्होंने शो की। बौद्ध धर्म में ईश्वर के बारे में ना उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ना उसको नकारा गया है। तो ईश्वर की जो प्रासंगिकता है वो क्लियर नहीं है, यानी हम कहें कि अप्रासंगिकता है एक तरह से, उसके बारे में ज्यादा कुछ क्लियर उसमें वर्णन नहीं किया गया। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं बहुत ही सरल थी। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो हम, जिस उद्देश्य से हम इस संसार में आए हैं, हम त्याग, तपस्या और अच्छे कर्मों के माध्यम से, अच्छी आजीव के माध्यम से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, और अंततः जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त करने में हम सफल हो जाएं। तो आइए, ये हमने देखी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, अब हम देखते हैं बौद्ध संघ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को जानने के लिए मैंने आपको बताया कि त्रिपिटक, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, त्रिपिटक एक शब्द है जिसका अर्थ है तीन टोकरियां, थ्री बास्केट्स, बट रियल में इसमें तीन बुक्स का कलेक्शन है। बौद्ध धर्म का ये बहुत ही पवित्र जो कलेक्शन है टेक्स्ट का, साहित्य का, त्रिपिटक, इसमें तीन बुक्स हैं। ये बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो इन्हें हम देखें, सुत्तपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक। सुत्तपिटक में ही बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो ये जो शिक्षाएं हमने पढ़ी हैं, ये सुत्तपिटक के आधार पे हमने पढ़ी हैं। कि अकॉर्डिंग टू द सुत्तपिटक, व्हाट इज द प्रीचिंग्स एंड फिलोसफी ऑफ लॉर्ड बुद्ध, महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी। अब आइए विनय पिटक के अनुसार हम देखेंगे बौद्ध धर्म के जो संघ थे, संघ, उनके क्या नियम थे, क्या रूल रेगुलेशन थे। और अभिधम्म पिटक में फिलोसफिकल बातें हैं, दर्शन के विषय की बातें हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म और संघ के नियम। देखिए स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध जो है उनके द्वारा बौद्ध धर्म जो है, उस धर्म का संगठित, उसका
एक संगठित प्रसार करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, संघों का निर्माण किया गया। संघ, संघ क्या है? संघ वो स्थान है जहाँ कॉमन पीपल अपना घर छोड़कर रिसाइड करते थे, निवास करते थे। बौद्ध धर्म में दो प्रकार के उपासक होते थे, दो प्रकार के इनके शिष्य थे। एक थे भिक्षु और भिक्षुणियां और दूसरे थे उपासक। भिक्षु वो थे जो गृह त्याग करके किसमें रहते थे? संघों में, विहारों में, मठों में, इनमें निवास करते थे। उपासक वो थे बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स जो अपने घर में ही निवास करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो दो तरह के लोग हो गए। एक वो लोग हैं जो अपने घर रस्ते में हैं, अपने घर को नहीं छोड़ा, वहीं रहते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे वो है जिन्होंने घर छोड़ दिया, अब सब कुछ छोड़ के वो घरों से दूर जंगल में, वनों में, पहाड़ों में वहां वो निवास कर रहे हैं। तो उस प्लेस को कहा गया संघ या विहार। ठीक है, तो ये संघ और विहारों का निर्माण अक्सर कौन करवाते थे? इनका निर्माण समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, राजा, अमीर वर्ग के लोग, व्यापारी, या जो लोग, जो कॉमन पीपल जिनकी उनमें श्रद्धा है, वो उसमें श्रम सेवाएं आदि देकर भी क्या करते थे, इन चीजों का निर्माण करवाते थे। तो घर बार छोड़ने वाले लोग यहाँ निवास करते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्ध धर्म जो है उसके तीन अंग माने गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, धम्म यानी धर्म, इसकी शिक्षाएं, संघ मतलब संघ, ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम संघ के बारे में देखे कि जो संघ है उसमें लोगों का आगमन का उद्देश्य क्या होता था? आगमन का उद्देश्य, स्त्री पुरुष यहाँ क्यों आते थे? आने के दो उद्देश्य थे। एक था बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है या जो नियम है, जो ज्ञान है, उसका अध्ययन करना, और दूसरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस उद्देश्य से समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, उनसे स्त्री पुरुष यहाँ संघ में आते थे। अब इनका निवास बताया है कि इनकी कार्यशैली या निवास कैसा होता था। तो देखिए, ये बताया कि वर्षा जो ऋतु है, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के केवल चार महीनों में ही ये यहाँ संघ में निवास करते थे, रहते थे, और रहते हुए ही यहाँ जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथों की स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। ठीक, और इन चार महीनों के अलावा जो शेष महीने हैं, रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर, वर्ष के शेष महीने, उनमें ये घूम घूम कर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का प्रसार करते थे जनमानस में। ठीक है, ये कौन थे? ये भिक्षु थे। भिक्षु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये भिक्षा मांगकर काम चलाते थे, भीख मांगकर अपनी जीविका यापन करते थे, इसलिए भी इनका नाम भिक्षु पड़ा। भिक्षु और भिक्षुणिया, मॉक एंड नन, पुरुष को भिक्षु कहा गया और महिला को भिक्षुणी कहा गया। तो इस प्रकार ये वहां रहते थे, वर्षा ऋतु में वहां निवास करेंगे और अध्ययन करेंगे ग्रंथों का, उसके बाद के महीनों में ये घूम घूम कर उस ज्ञान का प्रसार पूरे क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे। इसमें, इसके जो संघ में किस किस का आगमन आ सकता था, किसको आने की अनुमति थी, प्रवेश की अनुमति आप कर सकते हैं, प्रवेश की अनुमति, जो भी कोई व्यक्ति 15 वर्ष से ऊपर है उसको संघ में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन उसके साथ उसे माता पिता, अभिभावक, अपने मालिक, इन सब से अनुमति लेके आना होता था। और किसके आने पर निषेध था, किसके प्रवेश पे रोक थी, तो अपराधी और जो संक्रमित रोगी हैं, उनके आने पर, कम्युनिकेबल डिजीज से जो ग्रसित रोगी हैं, संक्रमित रोगी और जो अपराधी हैं, उनके आने पर रोक थी।
ठीक है। प्रारंभ में मैं आपको बताऊं, प्रारंभ में संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य हैं आनंद, आनंद ने उन्हें रिक्वेस्ट की, आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, महिलाओं के लिए भी संघ में के संघ के जो द्वार हैं वो खोल दिए। तो इस प्रकार पहली महिला वो इनकी भिक्षुणी कौन थी, प्रथम भिक्षुणी कहते हैं या प्रथम महिला शिष्या कौन थी, ये इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। अच्छा, अब एक वर्ड है थेरी। थेरी का क्या मतलब है, थेरी का मतलब है वो महिला भिक्षुणी, यानी महिलाएं या महिला भिक्षुणी जो है जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिन्होंने संघ में प्रवेश किया और जो बौद्ध धर्म की उपदेशिका बन गई, उन्हें थेरी कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति। अब सवाल पैदा होता है कि महात्मा बुद्ध का ये जो धर्म है संघ, बौद्ध धर्म है, इसके लिए जो संघ बने, इन संघों में कौन से समाज के वर्ण आते थे, तो इनके अनुयायी समाज के कौन से वर्गों से आते थे, तो इनके अनुयायी समाज में उस समय चार वर्ण थे, समाज के सभी चार वर्णों से आते थे, यानी कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण से किसी भी जाति धर्म से इनके बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें राजा, दास, सिपाही, शिल्पकार, कर्मकार, यानी कहने का भाव यह है कि समाज के सभी वर्णों से लोग इनके अनुयायी थे। अब इसकी कार्यशैली कैसी थी, काम कैसे होता था यहाँ, तो देखिए बहुत ही अच्छी इसकी वर्किंग स्टाइल थी। यहाँ की कार्यशैली थी लोकतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक आप कह सकते हैं, जनतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक, यानी सभी जो सदस्य हैं उन सदस्यों को अपने मत रखने का अधिकार था, कोई भी जो निर्णय था, कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे बातचीत, सबके सुझाव लिए जाते थे और उसके बाद निर्णय लिए जाते, और अगर बातचीत से किसी बात के निर्णय पे नहीं पहुंचे तो मतदान द्वारा क्या किया जाता था, डिसीजन लिया जाता था, निर्णय लिया जाता था। यानी यहाँ हमने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द विनय पीटक जो संघ है, विहार है, मोनेस्ट्रीज है, उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, तो ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं उनके नियम क्या थे। नियम मैंने अभी अभी आपको बताया कि विनय पीटक जो है उसमें जो नियम लिखे हैं उनकी पालना करनी अनिवार्य थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रूल बता चुकी हूँ बौद्ध धर्म के, उन्हीं को फॉलो करना, यानी भोग विलासिता, लग्जीरियस लाइफ जो है भोग विलासिता से दूर रखना, और साथ ही साथ त्याग तपस्या का जीवन जीना, सच्चरित्र यानी एक अच्छा करैक्टर रखना और एक त्याग तपस्या का जीवन जीना, एक बहुत ही संयमित जीवन जिसमें आपकी आवश्यकताएं कम से कम हो, इस तरह का जीवन जीना ताकि आपका ध्यान ना भटके, आप अपना पूरा फोकस अपने मेन मोटिव पे लगा सके जिस काम के लिए आप आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के जो संघ थे उस संघ में रहने वाले लोगों की शिक्षाओं का हमें पता चलता है विनय पीटक से। इस विनय पीटक में जो नियम थे उनको फॉलो करना पड़ता था ताकि लोगों को नियंत्रित कंट्रोल में रखा जा सके, ताकि लोग सही रास्ते पे चल सके, ताकि संघ में डिसिप्लिन अनुशासन बना रह सके, और जो संघ है उसमें समाज के सभी वर्णों के लोग, किसी भी जाति धर्म के किसी भी तरह के लोग आ सकते थे, अमीर गरीब स्त्री पुरुष,
और संघ की जो वर्किंग स्टाइल थी वो बहुत ही लिबरल थी, डेमोक्रेटिक तरीके से थ्रू द वोटिंग वहाँ डिसीजन लिया जाता था। तो इस तरह से जो संघ है उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन काल, इन देयर लाइफ टाइम एंड आफ्टर देयर लाइफ भी बौद्ध धर्म का इतना अच्छा प्रसार हुआ, उसके क्या रीजंस हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लोकप्रियता के कारण, डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसके लोकप्रियता के रीजन क्या थे। यानी जो इतिहासकार हैं वो उनका मानना है कि ना केवल महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, महात्मा बुद्ध का जब लाइफ स्पैन था, ना केवल उनके जीवन काल में बल्कि उनके मृत्यु के बाद भी क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म जो है वो खूब लोकप्रिय बना। तो उसके रीजन क्या थे, तो आइए हम उसके रीजन देखते हैं। एक तो महात्मा बुद्ध जो हैं, उनका बहुत ही उन्नत व्यक्तित्व था, एक संत उनकी इस तरह की छवि थी कि व्यक्ति सहज ही उनकी ओर आकर्षित होते जाते थे। उनके एक सन्यासी, उनके चेहरे के ओज, उनकी शांत भाव, उनकी शिक्षाएं, तो उनका उन्नत व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। दूसरा, उनकी सरल शिक्षाएं, सरल शिक्षाएं मीन्स कोई भी इस तरह की शिक्षाएं नहीं थी कि हम बात करें कि लोगों को मानना उनको मुश्किल प्रतीत होता है। जिस तरह से उस समय धर्म मौजूद था, वैदिक हिंदू धर्म, उसमें अनेक कर्मकांड, रीति रिवाज, मान्यताएं, वो धर्म इतना बोझिल, इतना बर्डन बन चुका था, जटिल हो चुका था। उसके विपरीत ये धर्म लोगों को बहुत ही सरल लगता था, कोई बंधन नहीं था, कोई बोझ नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। इसकी शिक्षाएं लोगों को बहुत ही सरल लगती थी, इसलिए लोग सहज ही इसकी तरफ आकर्षित होते चले गए। इसके अलावा ये शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की, ये शिक्षाएं किसमें थी, जन साधारण रीजनल लैंग्वेजेस में, जन साधारण की भाषाओं में थी। जन साधारण की भाषाएं प्राकृत और पाली, यानी व्यक्ति को धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो रिलीजियस बुक्स है वो ऐसी लैंग्वेजेस में है कि कॉमन पीपल उन लैंग्वेजेस को समझते हैं, वो खुद इन बुक को पढ़कर सच्चा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, हिंदू धर्म में सारी जो बुक्स थी, रिलीजियस बुक्स, वो हार्ड संस्कृत में थी। कॉमन पीपल को समाज के एक वर्ग पे निर्भर रहना पड़ता था धर्म के सच्चे ज्ञान के लिए। ओके, तो यहाँ शिक्षाएं जन साधारण की भाषाओं में थी। इसके अलावा हम बात करें तो उस समय का जो तात्कालिक धर्म था, तात्कालिक धर्म कौन सा, पौराणिक जो हमारा हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उस हिंदू धर्म से लोगों का असंतुष्ट होना, यानी इस धर्म की पॉपुलरिटी बढ़ने का एक रीजन ये भी था कि उस समय जो प्रचलित धर्म था लोग उसे संतुष्ट नहीं थे। लोग चाहते थे कि कोई एक ऐसा धर्म हो, सीधा सरल सच्चा, जिसको फॉलो करना आसान हो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उस धर्म से असंतुष्ट थे उसके चलते। ऑन द अदर हैंड, जब लोगों को ये सरल धर्म जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जब ये दिखा, तो लोग इसकी तरफ बहुत ही तेज गति से आकर्षित होते चले गए। उस हिंदू धर्म को छोड़कर वो तीव्र गति से बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने लगे। इसी के साथ हम बात करें तो किसी शक्तिशाली धर्म का अभाव, यानी मान लीजिए हिंदू धर्म से तो लोग बहुत परेशान है, पौराणिक जो हिंदू धर्म है, लेकिन उस समय अन्य बहुत सारे धर्म मौजूद हैं जिनकी शिक्षाएं सरल हैं, तो हो सकता है लोग उनसे प्रभावित होकर उन्हें एक्सेप्ट कर ले। लेकिन चूंकि वहां उस समय कोई शक्तिशाली धर्म नहीं थे, तो ये जो दो दर्शन विकसित हुए थे, जैन और बौद्ध, लोग सहज ही इनकी तरफ आकर्षित होते चले गए और देखते देखते बौद्ध धर्म लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या लोकप्रियता में सबसे मेन रोल बौद्ध संघों का भी था। मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले टॉपिक में, जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघों ने भी
इसमें प्रचार में प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। इसके अलावा इस धर्म के प्रसार में एक इम्पोर्टेंट चीज और थी, इसे रॉयल संरक्षण मिला हुआ था, राजकीय संरक्षण, यानी राजाओं ने भी, उस समय के राजाओं ने भी इसे प्रोटेक्शन दिया, इसको सपोर्ट किया। ठीक है, इसमें सबसे मेन तो हम पढ़ चुके हैं अशोक महान। अशोक महान के बाद हमने कुषाण शासक कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं, और उसके बाद हम पुष्यभूति शासक की बात करें, हर्षवर्धन। तो ऐसे अनेक शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कलिंग युद्ध से उनका मन पूरा आत्मग्लानी से भर गया और उसके बाद उन्होंने युद्ध को त्याग कर, युद्ध भेरी जो उसको त्याग कर धम्म भेरी अपनाया, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया और इसके प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसी के साथ ही साथ इस धर्म के प्रसार के एक रीजन और थे, राजाओं द्वारा विदेशों में राजदूत भेजना, यानी पड़ोसी जो देश हैं इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध। जिस तरह से अशोक ने पुत्र महेंद्र, पुत्री संगमित्रा, इन्हें विदेश चाइना यहाँ भेजा, तो अशोक के संदेश लेके जब ये गए दूसरे देशों में तो उनपे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। और आज आप देख सकते हैं भारत से कहीं ज्यादा संख्या में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो विश्व के अन्य देश जैसे श्रीलंका, चीन, थाईलैंड, जापान, इनमें आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ जो चीनी विदेश यात्री आए, चीनी विदेश यात्री भी इसी का परिणाम है कि भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आए और अपने साथ बड़े पैमाने पे बौद्ध पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट अपने देश ले गए, उनको ट्रांसलेट किया और जय जो बौद्ध फिलॉसफी है इससे वहां के लोग इतने प्रभावित हुए कि आज वहां एक बड़ी संख्या बौद्ध धर्म की फॉलोअर मानी जाती है। इसी के साथ साथ उस समय के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो शिक्षण संस्थान थे उस समय के, शिक्षण संस्थान कौन से थे? तक्षशिला, नालंदा, गया, इस तरह से जो शिक्षण संस्थान थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस धर्म में सामाजिक समानता पर बल दिया गया था, यानी जिस धर्म से असंतुष्ट होकर लोग बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे उस धर्म में चार वर्ण की व्यवस्था थी, जिसमें समाज के चार जितने भी वर्ग लोग हैं उनको चार वर्णों में डिवाइड किया, उनके ऑक्यूपेशन फिक्स किए और उसमें जो सबसे निम्न तबका था शूद्र वर्ण वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड था। ऑन द अदर हैंड यहाँ सामाजिक समानता थी, सोशल इक्वलिटी, सब सोशल इक्वलिटी पे बेस्ड चीजें थी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी भी आधार पर, चाहे वो अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, ऑल आर इक्वल। तो ये सब रीजन थे जिसके कारण जो बौद्ध धर्म है ना केवल महात्मा बुद्ध की लाइफ टाइम में बल्कि आफ्टर हिज डेथ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिए धीरे धीरे क्या होता है, माता बुद्ध की मृत्यु और उसके बाद हमारे यहाँ परिवर्तन होने लगता है राजनीतिक स्थिति में और बौद्ध धर्म में भी कुछ दुर्बलताएं आ जाती हैं और बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया कालांतर में, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, दो भागों में ये बट गया जिसको हम देखते हैं हीनयान और महायान के नाम से। अगर हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखें शब्द अर्थ, तो हीनयान का अर्थ है छोटी गाड़ी और महायान का अर्थ है बड़ी गाड़ी। ये तो सिर्फ इनका वर्ड मीनिंग है, रियल अर्थ इनका क्या है देखिए, ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्वरूप हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन स्वरूप है, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी ओरिजिनल शिक्षाएं वो, और ये उसमें कुछ चेंजेस आने के बाद जो नवीन स्वरूप बन गया, न्यू स्ट्रक्चर। हीनयान में जो अनुयायी है वो क्या मानते हैं,
जीवन का अंतिम लक्ष्य, लास्ट डेस्टिनेशन वो मानते हैं निर्वाण प्राप्ति, सेल्वेशन, निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति, सेल्वेशन। इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। ये डिफरेंस है स्वर्ग और नर, स्वर्ग और निर्वाण में। स्वर्ग तो आप समझते हैं, स्वर्ग और नर्क, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे करेंगे तो नर्क में, ये वो कंसेप्ट है। निर्वाण का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसके अलावा इनका विश्वास क्या था? इनका विश्वास था कि निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे, पर्सनल एफर्ट्स। यानी अगर मुझे निर्वाण चाहिए तो मुझे पर्सनली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और किसी के एफर्ट से मुझे निर्वाण नहीं मिल सकता। बट इनका मानना था महायान का कि निर्वाण प्राप्ति के लिए किसी मुक्तिदाता की जरूरत है। मुक्तिदाता मीन्स सेवियर, कोई सेवियर, कोई लीडर हो जो हमें इस भव सागर से पार कर दे। इसके अलावा ये जो है, ये महात्मा जो बुद्ध हैं, ये हीनयान में महात्मा बुद्ध को पवित्र आत्मा माना गया, पवित्र आत्मा, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया। इसमें मूर्ति पूजा का कोई प्रश्न नहीं था, कोई प्रश्न नहीं, जबकि यहाँ आते आते ये मूर्ति पूजा का प्रश्न हो गया, और जो बुद्ध हैं, बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसका जो स्वरूप है हीनयान का, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का जो प्राचीन स्टार्टिंग का जो स्वरूप था वो हीनयान है, और जो समय के साथ धीरे धीरे जो सामाजिक जो प्रभाव हैं उनके आने से जो चेंजेस आए वो है महायान। महायान में मूर्ति पूजा, और बाद में जाके एक शाखा आ गई वज्रयान, उसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, यानी बहुत सारी चीजें व्याप्त हो गई। तो जिस ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म में जो जटिलताएं मौजूद थी, कॉम्प्लिकेशंस मौजूद थी, जिनसे जनता को कोई सरल धर्म चाहिए था, जनता जिनसे मुक्ति चाहती थी, उसके रिएक्शन में इस धर्म का उदय हुआ था, जो बिल्कुल सीधा सरल था, और एक समय आते आते इसमें भी जटिलताएं, मूर्ति पूजा, ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई। तो इस तरीके से हम देखें कि जो अशोक हैं उन्होंने इसको राजकीय संरक्षण दिया, और अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो वो महायान शाखा के फॉलोअर थे। तो ये हमने देखा बौद्ध धर्म जो है उसका विभाजन हो गया। अब समय के साथ साथ बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है उसमें भी कमी आने लगी, धीरे धीरे वो पतन होने लगा, उसका कम होने लगा, उसका क्या रीजन है? बौद्ध धर्म और उसके प्रभाव में कमी कह सकते हैं, या उसका धीरे धीरे पतन, इसके क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से ब्राह्मणवादी धर्म से लोग असंतुष्ट थे और तीव्र गति से उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, अब धीरे धीरे क्या हुआ, भारत की राजनीति में कुछ ऐसे परिवर्तन आए समय के साथ कि बौद्ध धर्म है उसका भी प्रचार प्रसार धीरे धीरे ठहर गया, उतना ज्यादा प्रसार नहीं हुआ। उसके कुछ कारण है, पहला तो हम जो पढ़ चुके हैं, पहला तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में खुद में बहुत सारी जटिलताएं आना, जैसे मूर्ति पूजा वगैरह, और दुर्बलताएं आना। ठीक, वो सारी कमियां जो कॉमन पीपल पहले से मौजूद धर्म, वैदिक धर्म में देख रहे थे, वो कमियां इस धर्म में भी आने लगी, तो लोगों ने धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करना, उस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आना कम कर दिया। दूसरा हम देखें कि ब्राह्मणों द्वारा क्या किया गया, वैदिक धर्म में सुधार किया गया। तो जब वैदिक धर्म में सुधार हो गया तो लोगों ने वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना कम कर दिया। तीसरा हम देखें तो क्या हुई सिचुएशन, तीसरा ये हुआ कि इस समय आते आते उत्तर भारत में राजनीति में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? एक नए वर्ग का उदय हुआ, वो वर्ग था राजपूत वर्ग। राजपूत वर्ग जो है वो भारत का एक बहुत ही शूरवीर और तलवारधारी वर्ग है। तलवारधारी वर्ग,
जिसका परम उद्देश्य क्या है? परम उद्देश्य युद्ध में विजय, युद्ध लड़ना, ये अपनी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस समय आते आते अहिंसा जो कंसेप्ट है उसका औचित्य थोड़ा कम होने लगा, यानी बौद्ध धर्म में जो अहिंसा का सिद्धांत है वो यहाँ कहीं न कहीं अप्रासंगिक हो गया, स्वर्ण के लिए जो तलवार के माध्यम से अपनी शक्ति प्रसार करने में इम्पोर्टेंट वो समझता हूँ। और इसी के समय क्या हुआ, इसी के समय उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए भारत पर मुस्लिम हमले शुरू हुए, और मुस्लिम हमले शुरू हुए तो उसी के परिणाम स्वरूप हमले दो के हुए, हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी। और फाइनली क्या हुआ, गौरी के जीत के परिणाम स्वरूप, इसको विस्तार से हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, गौरी की जीत के परिणाम स्वरूप 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना हुई, और उसी की स्थापना के साथ भारत में राज्य द्वारा, राजकाज के द्वारा, राजाओं द्वारा एक नए धर्म को आश्रय दिया गया, वो धर्म था इस्लाम। तो देखते ही देखते क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे कम होता चला गया। एक रीजन और था कि अब राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, राजकीय संरक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एक नए धर्म का आगमन हो गया शासकों के साथ। तो इस तरह से विभिन्न जो घटनाएं हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य हैं, इनसे ये स्पष्ट होता है कि एक समय आने के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार में थोड़ी कमी आई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइम पीरियड है इसमें जैन और बौद्ध दर्शन दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलोसफी है। आगामी कक्षाओं में आप इनको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से आज हमारे भारतीय समाज पर इनका गहरा प्रभाव है। तो महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैन धर्म का भारत में प्रादुर्भाव और प्रसार हुआ, और आज भी हमारे भारतीय समाज पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। अब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो इमारतें हैं, स्तूप, उसमें महत्वपूर्ण सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, भोपाल की बेगमों का योगदान उन्हें बचाने में, ये सब चीज हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया है, आपको समझ आया है, और आप यूं ही अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।